तो मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, एक अलग तरीके के पेटेंट को लेके जो कि नोच के रिगार्डिंग पेटेंट किया है शाओमी ने। शाओमी को तो आप सभी जानते हैं भैया, इसने काफ़ी सारे अजीबोगरीब प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट निकाले हैं। और स्मार्टफोन के अंदर यदि बात करें तो शाओमी के फ़ोन के बारे में आपको पता ही है, चाहे वो रेडमी की बात करें या फिर किसी की भी बात कर लो। तो अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर शाओमी के एक नए तरीके की नोच डिज़ाइन के पेटेंट के बारे में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ नया आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कीजिए और पास में जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके का ये डिज़ाइन है। तो भैया, शाओमी ने एक नए तरीके का जो नोच है वो पेटेंट किया है और इसको नोच को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है रिवर्स नोच नाम दिया गया। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ तो अलग इसके अंदर बिल्कुल देखने को हमें मिलने वाला है। तो जैसे कि ये मेरे पास एक पुराना फ़ोन है, इसके साथ मैं आपको एग्जांपल देकर थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके का होगा ये जो फ़ोन है आपके अंदर। इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे इसके अंदर जो है स्पीकर ग्रिल वगैरह दिया गया था, तो इस तरीके का कुछ नहीं है। और जो कुछ फ़ोन आ रहे थे उनके अंदर यहाँ पे हमें जो है नोच देखने को मिलता था, वो चाहे ऐसे नोच हो, इन्फिनिटी नोच हो, पंच होल डिज़ाइन हो, लेकिन शाओमी ने क्या किया कि इन सभी को हटा के ये पूरा जो डिस्प्ले है ये एज टू एज डिस्प्ले रखा जाएगा। और उसकी जो ऊपर जो है यहाँ पे जो है हमें अलग से एक इस तरीके का नोच जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कैमरा या फिर कैमरा हमें देखने को मिलेगा और कुछ हो सकता है पीछे हमें ब्रांडिंग देखने को मिले, फ्लैश यहाँ पे देखने को मिलेगा और स्पीकर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कॉलिंग के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे नोच देखने को हमें मिल सकते हैं। यदि मैं एक लोकल लैंग्वेज में यदि आपको बताऊँ तो ये नोच कम और मेरे को चुंपली डिज़ाइन ज़्यादा लगता है। इस तरीके से आपको जो है ऐसे आपके फ़ोन के ऊपर परमानेंट निकला रहेगा। तो शायद ये एक रिप्लेसमेंट हो सकता है, अच्छा रिप्लेसमेंट नोच का, और ये कॉस्ट कटिंग हो सकती है पॉपअप डिज़ाइन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग इसके अंदर हो जाएगी। बाकी आपका क्या ख्याल है, कुछ इस तरीके की नोच कम चुंपली आप जो है फ़ोन के अंदर अपने में देखना चाहेंगे क्या, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।